नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ ही साथ आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। इसके उपलक्ष्य में हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वार्ड नंबर 43 की काउंसलर के होने के नाते आज मैंने वार्ड के जितने गरीब लोग थे उनको मैंने तिरपाल वितरण किया है। हमारे साथ मौजूद है हमारे जिला के नेता, हमारे राज्य के नेता, हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता शंकर दा, राम दा, श्री प्रसाद बर्मन जी, सुनील ठाकुर और मास्टर जी है हमारे मंडल टू के, और सभी कार्यकर्तागण। आज हम लोग ने ये निर्णय लिया कि मोदी जी के जन्मदिन पर हम जो गरीबों का छत नहीं है उसे हम देंगे। इसके अलावा हमारे मोदी जी ने ये भी तय किया कि 2022 तक किसी का कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसका घर ना हो, वो तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी फिलहाल उनको जरूरत है तिरपाल की, इसलिए आज हम लोग ने कम पुरवाड़ में डोर टू डोर जाके सभी के घर घर जाके लगभग 100 तिरपाल हमने वितरण किया। धन्यवाद। 70वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री के लिए एक सप्ताह व्यापी कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आज सुबह बराकर रानी बंगला हॉस्पिटल में फलों का वितरण किया गया। आज रक्तदान शिविर है और इस तरह काफी कार्यक्रम सामने एक सप्ताह में लिए गए हैं। ये भारत का हर व्यक्ति को देश के लिए सामने आना है, देश की सेवा के लिए सामने आना है, उसके अंदर में जज्बा पैदा करना है, इसके लिए ये सप्ताह रखा गया है। ये ऊर्जावान और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जीवन काल में जो कुछ कर दिया है वो हम लोग अपने जीवन काल में सोच भी नहीं सकते थे। वो धारा 370 हो या राम जन्मभूमि हो, हम लोग बहुत अपने आप में गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों ने अपने जीवन काल में ये सब देखा। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार। मोदी जी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी ना, भारत मायर वीर पुत्र नरेंद्र मोदी जी ना, मोदी जी ना, भारत मायर वीर पुत्र नरेंद्र मोदी जी ना, भारत माता की। श्याम प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, श्याम प्रसाद मुखर्जी चिंताधारा दिगे दिगे छोड़िए दिन, दीन दयाल जी चिंताधारा दिगे दिगे छोड़िए दिन, वीर पुत्र नरेंद्र मोदी चिदप्पाद, भारत मायर वीर पुत्र नरेंद्र मोदी चिदप्पाद। माननीय मोदी जी जन्मदिन আমাদের এই যে রক্ত मंडल अध्यक्ष, राज्य कमिटी सदस्य माननीय कृष्णेंदु राय, जिला कमिटी नरेंद्र मोदी जिला पुरुष नरेंद्र मोदी जिला पुरुष नरेंद्र मोदी सबा के अनुरोध करब, सबा निजे निजे स्थान बसुक, हमारे प्रोग्राम शुरू करब। भारत माता की, भारत माता की, माता की, भारत माता। कार्यकर्ता माननीय रविंद्र दा, माता की। एरपर भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी বৃন্দ মিলে যে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে, আজকের সেই সুযোগ ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প শুরু হয়ে গেছে। যারা এখনো মনে মনে করছেন যে কি করব না করব, কিছু না মনে করে এই জন্মদিবস, এই জন্মদিবস উপলক্ষে যারা ব্লাড দিচ্ছেন তাদেরকে আপনি সহযোগিতা করুন, যারা ব্লাড দিচ্ছেন তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন, যারা আমাদের সঙ্গে এসেছেন ডাক্তার বাবু স্টাফ যারা এসেছেন তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন, তাদের কি দরকার তাদের সঙ্গে সবার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আজকে এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে সহযোগিতা করছে ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। এরপর
হতে রয়ে দেবেন্দ্র দাকে ব্লাড ডোনেশনের সার্টিফিকেট দিয়ে সম্বর্ধনা দিচ্ছেন আমাদের রাজ্য কমিটির স্থায়ী মেম্বার এবং আসানসোলের লড়াকু নেতা কৃষ্ণেন্দু দত্ত। একটা হাততালি দিয়ে সম্বর্ধনা क्या क्या प्रोग्राम किए हैं हम लोग भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नियामकपुर सेंट्रल ऑफिस की तरफ से। हम लोग पार्टी का जो निर्देश है कि सेवा सप्ताह के रूप में इसको मनाना है, आज से हम लोग सेवा सप्ताह के रूप में इसको मनाएंगे, जिसके तहत आज हम लोग 70 गाछ लगाने का परिकल्पना लिए हैं नियामकपुर सेंट्रल पार्टी ऑफिस की तरफ से। इसमें हमारे बीच में उपस्थित है वरिष्ठ नेता डॉक्टर इजरा रहमान, वरिष्ठ नेता सुनील सरकार, कोबी सिंह, निर्मल माझी, दिलीप गुप्ता, सुभाष पिलानी वाला और विजय साहब ऑफिस प्रमुख और कार्तिक दास, और अभी काफ़ी लोग विश्वकर्मा पूजा महालया है और भी कई पूजा है, मनसा पूजा है, सब उसी में व्यस्त है। लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, कारोबार बढ़ता जा रहा है और हमारे गाछ लगाने का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। आज से हम लोग गाछ लगाएंगे, रक्तदान शिविर करेंगे, लोगों में साड़ी वितरण करेंगे, कई कार्यक्रम सेंट्रल बीजेपी पार्टी की तरफ से किया गया। आपका नाम? मेरा नाम पिंकू वर्मा, बीजेपी युवा नेता आसनसोल। আমাদের এই সেন্ট্রাল বিজেপি অফিস নিয়ামতপুর থেকে বহু রকম কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, যেমন আমাদের ফ্ল্যাগ ক্যাম্প হবে, গরিব দুস্থদের শাড়ি বিতরণ হবে, আমরা চেষ্টা করছি হসপিটালে কিছু ফল ফ্রুট দেওয়ার জন্যে। এখন আমাদের 7 দিন এই প্রোগ্রাম চলবে, আর তারপরে গাছ লাগানো প্রোগ্রাম আছে, মানুষের সেবামূলক কাজ। মোদীজির যে বার্তা সবকা সাথ সবকা বিকাশ, তো আমরা সেই কাজে উদ্যোগ নিয়ে আজ রাস্তায় নেমেছি। এখানে আমাদের সব যারা যুব নেতা আছে তাদের উদ্যোগে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, আজ থেকে আমরা 7 দিন পুরো প্রোগ্রাম চালিয়ে যাব। আপনার নাম? আমার নাম সুনীল সরকার, আমি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট।